Hello class 3rd, welcome to online classes of HPS. This is your English class. I hope you are ready with your books. Okay, open your book. Let's continue our chapter. Page number 15, masculine and feminine. You have completed this homework? Yes? Okay, now masculine and feminine. Masculine means male, name of a male, and feminine means male of female, aadmi, aurat, ladka, ladki. Theek hai? Cock is a male bird, cock ek male bird hai, aur hen is a female bird. और हैन फीमेल बर्ड है तो कॉक हो गया मैस्कुलाइन एंड हैन इज फेमिनाइन. जेंडर, इनको कहा जाता है जेंडर, जो हमारा जेंडर है, कोई लड़का है कोई लड़की है ना. ऑक्स इज़ अ मेल एनिमल, काउ इज़ अ फीमेल एनिमल. मैन इज़ अ मेल पर्सन, वुमेन इज़ अ फीमेल पर्सन. ऑक कॉक ऑक्स एंड मैन आर मेल्स, वी कॉल दैम मैस्कुलाइन. जो मेल्स होते हैं उनको हम मैस्कुलाइन कहते हैं. हैन काउ एंड वुमेन आर फीमेल्स, जो फीमेल्स हैं उनको फेमिनाइन कहा जाता है. ठीक है, नाउ लर्न द फॉलोइंग टेबल, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउंस. सर, हम सर कॉल करते हैं मेल को और मैडम फीमेल को. सर मैडम. फॉक्स विक्सन, सन डॉटर. Boy, girl. Dog, bitch. God, goddess. Lion, lioness. Man, woman. Cock, hen. Ox or bull, cow. Hero, heroine. King, queen. Tiger, tigress. Uncle, aunt. Horse, mare. Father, mother. Brother, sister. Husband, wife. Nephew, niece. Gentleman, lady. Nephew, niece. जेंटलमैन, लेडी. इनमें से कुछ तो आप जानते होंगे और जो कुछ नहीं जानते यू हैव टू लर्न. ओके, दिस यू हैव टू लर्न. नाउ टर्न द पेज, टेस्ट योर सेल्फ, राइट एम फॉर मैस्कुलाइन एंड एफ फॉर फेमिनाइन. जो मैस्कुलाइन है मेल है उनके आगे एम लिखेंगे और जो फीमेल है उनके आगे एफ लिखेंगे. सर एम. फॉक्स एम. हैन एफ. बुल एम. काउ एफ. आंट एफ. टाइगर एफ. सिस्टर एफ. नीस एफ. हॉर्स एम. हस्बैंड एम. डॉटर एफ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, गिव द फेमिनाइन ऑफ. इनके फेमिनाइन लिखने सर मैडम सन डॉटर फॉक्स विक्सन. ओके, गिव द मैस्कुलाइन ऑफ. इनके आपको मैस्कुलाइन लिखने हैं, मैन का वो लिखना है जेंडर, काउ बुल या ऑक्स, लेडी जेंटलमैन, मेयर हॉर्स, बिच डॉग, नीस नेफ्यू सिस्टर ब्रदर मामा. मामा पापा. वुमेन मैन प्रिंसेस प्रिंस. ओके, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो, ट्राई टू डू इट. Rewrite changing masculine words into feminine. इसमें masculine word है जैसे boy, girls, he. इसको आपको change करना है masculine में feminine में. For example, he is a wise boy. तो he का हो जाएगा she, she is a wise boy का girl. He has two bull, he का she, she has two cows. He का she.
Sir, he is absent today. Madam, she is absent today. He, she, sir, ka, madam. The tiger killed the fox. The tigress killed the vixen. He wrote a letter to his nephew. She wrote a letter to his ka, her nephew ka niece. He ka, she. If you not understand first time, listen this video again and again to do this test yourself exercises. Okay, now come to next page, page number 17. Countables and uncountables. Countables means जो हम nouns को count कर सकते हैं, जिन nouns को हम count कर सकते हैं वो countable. And uncountable जो हम count नहीं कर सकते हैं. जैसे water है, हम उसको count कर सकते हैं? नहीं. Sugar, ये जो चीज़ें हैं हम इनको count नहीं कर सकते. Book है, egg है, ये हम इनको count कर सकते हैं. दिस इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. वी कैन काउंट सम नाउंस, हम कुछ नाउंस को काउंट कर सकते हैं. वी कैन कॉल देम काउंटेबल. वी कैन यूज देम इन सिंगुलर एंड ऑल्सो इन प्लूरल. हम उनको सिंगुलर भी यूज करते हैं और प्लूरल को भी. आई हैव अ बुक, आई हैव टू बुक्स. बुक है तो काउंटेबल है, तो एक है इसलिए बुक, और ज़्यादा है तो बुक्स. This is an egg, these are eggs. एक है तो egg, बहुत सारे हैं तो eggs. Singular और plural जैसे. But we can't count some nouns. लेकिन हम कुछ nouns को count नहीं कर सकते हैं. We call them uncountables. We can use them in singular only. हम उन्हें singular में ही use करते हैं क्योंकि उसे count ही नहीं कर सकते. Like air, tea, ink, oil, milk, food, coffee, water, bread, sugar, paper, gold, cotton, smoke, money. ठीक है. Now test yourself. Put a tick or cross according to the article used. A shop. Shop के साथ a use है. A shop countable है इसलिए a use हो गया. तो tick. A food. हम एक food कह सकते हैं क्या? A food. No. A bread. एक bread कह सकते हैं? एक bread दे दो. No. अ बटर. अ बटर कह सकते हैं? नो. वो पैकेट ही आएगा. अ कॉटन. नो. अ शुगर. नो. अ पेंसिल. यस. टिक. अ स्मोक. नो. अ मनी. नो. अ वुमेन. यस. तो जो हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम अ, ए और एन यूज़ करते हैं, और जो नहीं कर सकते उसके साथ ए और एन यूज़ नहीं होगा. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली. वी हैव कम्प्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ ग्रामर. डू योर होमवर्क. एंड योर होमवर्क इज दिस पेज. कम्प्लीट दिस पेज. ओके. And this page, and watch this video or every video again and again so that you can understand clearly. Okay, goodbye for now. Have a nice day.